दोस्तों, ये है संस्कारी प्रोफेसर फ्रूट नूडल और ये कोई मामूली प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर होने के साथ साथ ये एक डॉक्टर भी है और आज आप सबसे मिलने आए हैं। डॉक्टर, कोई बीमार है क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग। लेकिन मेरे अनोखे आविष्कार के जरिए तुम ठीक हो जाओगे। अपने बचपन के बारे में बताओ। ठीक है, मैं जब छोटा था तब एक्टर बनना चाहता था, लेकिन बड़ा होके चोर। कोई बात नहीं, बात एक ही है, तुम बैंक में चोरी करते हो ताकि ऑडियंस को वो परफॉर्मेंस दिखा सको। हाँ, अब सही कह रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, चोर नहीं, मैं एक्टर हूँ, एक्टर। अगला कौन है? इस डॉक्टर ने तो थोड़ी देर में सबके दिमाग में भूसा भर दिया है। हम अपने दिमाग पर कोई असर होने नहीं देंगे और यहाँ से निकल लेंगे। डाल्टन्स, अब तुम्हारी बारी। कान बंद कर लो भाइयों। अंदर आ जाओ, अपनी आंखों से देखो, अब ये चार चोर नहीं रहे। डॉक्टर साहब, हर इंसान को आपसे इलाज करवाना चाहिए, कोई शक? हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पर मेरे साथ आओ। अब देखना जेलर साहब के दिमाग में कैसे भूसा भरेगा। बचपन का सपना पूरा हो जाने पर मजा आ गया, मेरा अपना चिड़िया घर। ये चार भेड़िये कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जेलर साहब, हम भेड़िये नहीं है। ये भूसा तो हम में भारी गिर गया भाई। अरे भाई, मतलब हम सच में भेड़िये हैं? हाँ हाँ अवरल, हम सच में भेड़िये हैं। ये सब क्या है? अगर ये कह रहा है कि मैं एक भेड़िया हूँ, इसका मतलब मैं भी इनकी फैमिली में से हूँ। ले जाओ, उठो, गुड। कांग्रेचुलेशंस मिस बेटी, सही मायने में यही तुम्हारे असली संस्कार हैं। संस्कारी रिंग मास्टर बनना मेरा सपना था। रुका, मैं जो देख रहा हूँ तुम लोग भी देख रहे हो भैया। जो भैया मुसीबत में है, शेरू आ रहा है बचाने। थोड़ी सी दवाई तुम सबकी अकल ठिकाने लगा देगी। नहीं, नहीं, काजू, ये क्या है? मेरे भाई, ये नौटंकी और कितनी देर तक चलने वाली है? हाँ, एक मस्त वाला आइडिया है। जेलर साहब, अगर सरकार को इस गैर कानूनी चिड़ियाघर का पता चल गया ना, तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा। देखो, मैं उन्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ। भेड़ियों को लिखना भी आता है। संस्कारी, हमें इन पशुओं को खुला छोड़ देना चाहिए। ये लो, तुम आजाद हो। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अत्याचारी जेलर हूँ। क्या कर रहे हो जेलर? वो कैदी है, कोई पशु नहीं है। कितना शरारती भेड़िया है ये। एक और शब्द कह रहा तो देख लेना, समझे? जेलर साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहकर हमारा ध्यान रखना चाहते हैं, कुछ? हवा की तरह उड़ो, पानी की तरह बहो। हम चिट्ठी लिखते रहेंगे। मेरे भाई। हाँ, देखो हमारे कजिन। पापा, क्या ये आप हो? कहाँ जा रहे थे डॉक्टर साहब? अब से तुम हमारे साथी हो, समझे क्या? देखा भाई, यहाँ हमारा पूरा परिवार है। इनका खाना बनने से पहले नाटक शुरू कर दो। हम लोग बच गए। अब
इससे पहले ये जाग जाए मैं निकलना होगा। लेकिन भाई परिवार को छोड़कर कैसे जाएं? बकवास बंद करो घोचो, तुम एक भेड़िया नहीं हो। क्या? मैं एक भेड़िया नहीं हूँ। सब जान बचा कर भागो। हम आजाद हो गए। ये लीजिए, आपके भेड़िए रेगिस्तान में गुम हो गए थे। ओ, कोई बात नहीं। अगर मैं सच में डॉक्टर बन जाता तो मुझे ये संशोधन करके लोगों को धोखा ना देना पड़ता। धोखा देना? तो तुम डॉक्टर नहीं हो। मेरी जेल, इसकी क्या हालत बना रखी है तुमने? बांध देना बंद करो घोचो। लेकिन मैं क्या करूं भाई, मैं तो एक भेड़िया हूँ ना। तुम भेड़िया नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। इतनी टाइट सिक्योरिटी में हम दरवाजे से बाहर कैसे जाएंगे? मस्त वाला आइडिया आया, हमें बहुत सोचना होगा। ये ड्राइवर की सीट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। नहीं ठीक है, ये एवरिल की साइज का है, इसीलिए तुम जैसा बोलोगे वैसा ही वो करेगा। एवरिल, तुम रुक क्यों गए? अरे मुझे खुजली हो रही है भाई। खुजाना बंद करो घोचा। वाह, एक नया कैदी, शायद मेरे प्लेनेट से आया होगा। ये शोर कैसा है? आए, ये क्या हो? इसके अंदर तो पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क है। तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा मुझे। चलो अब जाकर बैंक लूटते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो सिर्फ भागने के लिए बनाया था, वैसे भी ये ज्यादा मजबूत नहीं है। तो क्या हुआ? चुपचाप बिना नाटक के अपने पिंजरे में वापस चले जाओ। जेलर! मेरी रोबोटिक आवाज मेरे नॉर्मल आवाज से ज्यादा अच्छी है। ये कोई खिलौना नहीं है जेलर साहब, इस संस्कारी रोबोट को बनाने में सरकारी खर्चा हुआ है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो डाल्टन। कब ना? तो फिर तैयार हो जाओ। तुम हट क्यों गए घोचो? हम बिना डरे उनसे ये लड़ाई लड़ेंगे, कोई शक? लेकिन भाई वो रोबोट ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि हमारे पास उनकी तरह हथियार नहीं है। क्योंकि हमने ये रोबोट सिर्फ भागने के लिए बनाया था भाई। Yeah!
मेरे पास बचपन में ऐसे कोई खिलौने नहीं थे। अरे नहीं, रोबोट का जंग लग जाएगा। क्योंकि ये रोबोट वाटरप्रूफ नहीं है। कहीं वो अंदर डूब तो नहीं गए ना? मुझे देखने दो, मैंने इसमें डिप्लोमा किया है। अवरल, अब हमारी बारी है। बोलूं जिंदा है। भागो भैया, हम काफी दूर आ गए। ये कबाड़ फेंक के कहीं दूर चले जाना चाहिए हमें। मेरा रोबोट कबाड़ नहीं है, मैं साबित करके बताऊंगा तुम्हें। जितना चाहे भाग लो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। छोड़ने के लिए पहले पकड़ो तो सही। लगता है तुम्हारा रोबोट थक गया है। हथियार खत्म हो जाने पर लाल बत्ती जलेगी और पर्पल जलने पर रोबोट उड़ नहीं पाएगा। क्या मतलब मैदान छोड़ना होगा? ये रोबोट रुक क्यों गया आखिर? रोबोट में से जल्दी बाहर निकलो, ज्यादा देर नहीं पकड़ पाऊंगा। रुक जाओ, मैं रुकता हूँ यहीं पर। तुम साथ चलो। मेरा रोबोट टूट गया। मैं जीत गया। बस बहुत हुआ, खेलना बंद करो और इन्हें जल्दी से जेल ले जाओ, समझे? ये राइड ट्राई करता हूँ। ऐसा अम्यूजमेंट पार्क पहले कभी नहीं देखा मैंने। मेरा रोबोट बाहर रेगिस्तान में अकेला पड़ा है भाई। मुझे उसकी बहुत याद आएगी। अरे भाई देखो, हमारा रोबोट। वो जिंदा है, मेरा रोबोट जिंदा है। वो वापस जा रहा है, लेकिन क्यों? अच्छा है, लेकिन ये राइड का स्टॉप बटन दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? प्लान बी। प्लान सी। सांस खत्म हो गए। सो रहा है, काम के वक्त सो रहा है। इसे एक मौका तो दो जेलर साहब, इसे बहुत जल्द अपने संस्कारों का एहसास होगा। मिस बेटी मेरी तारीफ कर रही है। आज अगर यहाँ मेरी माँ मौजूद होती तो उनको मुझ पर नाज होता। पता नहीं मेरे प्लैनेट वाले मुझे लेने कब आएंगे। मैं अभी गांव के सरदार से बात करता हूँ, सुना है उनके पास एक अच्छा गार्ड डॉग है। ज्वालामुखी जूनियर दिखता है, उससे ज्यादा चतुर है। 10 शेरों की ताकत इस अकेले ज्वालामुखी में है। इसकी नजरों से आज तक कोई भी नहीं बच सका है, नहीं बच पाएगा। ओ, शेरू से तो अच्छे क्वालिफिकेशन है। हाथ मिलाओ ज्वालामुखी, बैठ जाओ, एक पैर पे गोल गोल घूमो, रेडी स्टेडी गो फेच। इसकी नौकरी पक्की। अगर ये रखवाली करेगा तो डाल्टन्स भागने की सोच भी नहीं सकेंगे। सोच भी नहीं सकेंगे ना। ये है तो बड़ा चालाक, मशीन से तेज गड्ढे खोदता है। इसकी मदद से हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे।
इसकी चालाकी शायद हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है भाई। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा खाना और थोड़ी हमारी चालाकी, फिर ये हमारी टीम का हो जाएगा। वो शांत आवाज, वो मासूम चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। मेरी माँ मुझे मिल गई। माँ! जी, अपनी भावनाओं को छुपा रही है बेचारी माँ। गिन लो, वैसे भी ज्यादा ही दिए हैं। काम अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस दूंगा, ये मेरा वादा है। और हाँ, इसको संभाल के रखना, जूनियर का ये फेवरेट खिलौना है। कौन नाश्ता करना चाहेगा? अंकल जो की तरफ से बस तुम्हारे लिए। कौन गड्ढा खोदने में हमारी मदद करेगा? अरे बाप मेरे भाई, उसने अच्छी खातिरदारी की तुम्हारी। एनिमल्स का तुम फेवरेट हो तो तुम कोशिश क्यों नहीं करते? अरे कैसे हो ज्वालामुखी, हमारी मदद करोगे? मस्त वाला आइडिया, हम लोग इसका खिलौना चुरा लेंगे। माँ तुम कहाँ चली गई थी? मेरे साथ अभी एक गेम खेलो ना, मैं तुम्हारा प्यारा शेरू। ज्यादातर गेम्स में बॉल फेंकते हैं, माँ ने मुझे ही फेंक दिया। माय गॉड, तुम्हारा फेवरेट खिलौना। अगर यह तुम्हें वापस चाहिए तो गड्ढा खोदना होगा नीचे। माँ कहाँ चली गई हो तुम? वाह लुका छिपी, छुप जाओ जल्दी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें। इसे कहते भागना, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, चुपचाप काटे। अरे रेगिस्तान में कितना कचरा भरा पड़ा है। माँ का पंख, मैं ये पंख कैसे भूल सकता हूँ, वो इस तरफ गई है। सावधान, डाल्टन्स भाग गए हैं। देखो संस्कारी, शेरू और ज्वालामुखी अलग अलग रास्तों पे गए हैं। मुझे तो लगता है शेरू सही है, डाल्टन सीमा पार करने यही रास्ते से जाएंगे। अगर शेरू सही और ज्वालामुखी गलत निकला तो मेरे बचे हुए बाल काट दूंगा। ज्वालामुखी का पीछा करो। ज्वालामुखी ने रास्ता बदल दिया है, अब वो भी सीमा की ओर ही जा रहा है। इसका मतलब इस बेटी सही कह रहे थे, शेरुआ सही था। ए, देखो हम सीमा तक पहुंच गए, हम आजाद हो गए। डाल्टन्स नाच रहे हैं, क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा है? पानी के अंदर कूदो। वो नहीं माँ, लगता है अब हमें पकड़ा पकड़ी खेलना है, लुका छिपी नहीं। वो बहुत तेज है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं हूँ ना, जाओ पकड़ा। माँ देखो, मैंने गड्डी पकड़ी। तुमने भी अच्छी कोशिश की लेकिन मैं ही जीत गया। अब क्या करना है? वैसे तो मैं आजादी नदी के उस पार मिल सकते थे। उस शेरों की वजह से सारे डाल्टन्स पकड़े गए। देखो ज्वालामुखी तारीफ कर रहा है उसकी। माँ बहुत सेंटिमेंटल हो गई है, माँ बस एक गेम ही तो था, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ माँ।
ओहो, आज शुक्रवार का दिन है। हर शुक्रवार को सूप बनाना यही हमारे संस्कार है। हाँ, मुझे सूप पसंद है। पूरे शरीर को ताकत मिलती है और पेट भरा हुआ हो तो भागने का ख्याल भी नहीं आता। मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। वाह, क्या बात है, एवरल को आज किचन में ड्यूटी मिली है। मेरे फेवरेट सूप का दिन है आज। खाने की कोशिश मत करना वरना डिनर में पत्थर दूंगा तुम्हें। मैं सब्जी लेकर आता हूँ, तब तक तुम पानी उबाल देना, समझ गए ना लंबू चंद? पालक, अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अचानक खुजली क्यों आ रही है? खुजली सहा नहीं जा रहा। एवरल, ये लो, ये पत्तिया सूप में डाल दो जल्दी। अरे नहीं, रेसिपी का ये हिस्सा नहीं है। चेक ना करो कोई शक। आ जाओ भाइयों, आज सूप अनलिमिटेड है। धक्का मुक्की मत करो, पहले तुम्हारे जेलर को तो चखने दो। तेरा मैं भी तो चख लूं। अरे लेकिन मुझे भूख लगी। खा सकता है, इसे घोचो। देखो वो पत्तियों ने इन पर क्या असर किया है। जेलर साहब, अगर लोहे की चीज हो तो मजा ही आ जाए, जैसे कि चाबे। जल्दी चला। डाल्टन्स भाग रहे हैं। चलो खुजली, अब मेरा मतलब जल्दी करो। हम लोग आजाद हैं, अब लोग आएंगे। अरे मैं सैंडविच लाया हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल आजादी की तरह है। अरे नहीं नहीं, ये तो सूप से बने हैं। चक्कर। गांव का सरदार वही मदद कर सकता है। इसका मतलब जेल में सभी की यही हालत है। इन्हें बिजी रखो, मैं जेलर को जेल में मिलकर आता हूँ। लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इस बीमारी का जादुई इलाज है। खुजली हो रही है। तुम्हें खुजलेरिया हो गया है। खुजलेरिया? ये कैसी बीमारी है? खुजलेरिया संक्रामक बीमारी है। पहले खुजली शुरू होती है, फिर वो दिमाग तक पहुंच जाती है और खुजाते खुजाते उंगली एक कान से दूसरे कान पार हो जाती है। क्या कोई संस्कारी इलाज है? लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इसका जादुई इलाज है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें देनी होगी। जो भी है, फर्क नहीं पड़ता। हर शुक्रवार को हम सूप पीने आएंगे, जेल के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, मिस पेटी के ट्यूशन आएंगे और तुम्हारे कंट्री क्लब के लाइफ टाइम मेंबर्स बन जाएंगे। गोबर का लेप लगाना होगा, इससे स्किन सॉफ्ट बन जाती है। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। काय का, यहाँ तो खुजली बढ़ती जा रही है। क्या बात है, खुजली बंद हो गई। इसका इलाज सिर्फ एक ही बार होता है, फिर से खुजलेरिया हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ टाइम खुजाते रहना पड़ेगा तुम्हें। जब तक सरदार वापस नहीं आते, ये ऐसे ही नाचते रहेंगे। ऐला दिमाग का इस्तेमाल। बस अब बात हुआ, सच्चा जादुई इलाज बताओ। तुम्हे
हमें खुजली मिटाने वाली जड़ी बूटी खानी होगी। अरे वो जो हमारे जेल में उगती है क्या? हाँ लंबू चंद, जल्दी जेल वापस चलो। नहीं, तुम्हें खुजलेरिया हुआ है इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हमने तो इलाज करवा लिया जेलर साहब। हमें अंदर जाना ही होगा। रसोईया का दरवाजा खोलो। यही मौका भैया। वो जड़ी बूटी ढूंढना चालू करो। सावधान डाल्टन। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, जड़ी बूटी मिले तो ही अपनी शक्ल दिखाना। यहाँ यहाँ एक आखिरी पौधा है। फिर से एक पहले के। अरे पौधा नहीं विलियम, आखिरी पत्ता। नहीं!